खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने बहादुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रियाज अंसारी की पत्नी निकहत परवीन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने रियाज अंसारी के साथी कमाल अहमद और एहतसाम को भी गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। इन सभी पर कई लोगों की जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप है। रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार है। रियाज और उनकी पत्नी निकहत फर्जी नियुक्ति मामले में भी आरोपी है और मौजूदा समय में जमानत पर चल रहे थे। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने और क्या बताया। बहादुरगंज नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं, आप लोगों को विदित होगा कि पूर्व में भी ये एक फर्जी नियुक्ति घोटाले में एक आपराधिक कृत्य इनके द्वारा किया गया था, जिसमें इनके द्वारा अपनी पत्नी की नियुक्ति गलत दस्तावेज तैयार कराकर की गई थी। उसके बाद बहादुरगंज के कई लोगों ने इस तरह का भी प्रार्थना पत्र दिए थे कि उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया था और डरा धमका कर उनसे कागजों पर साइन कराए गए थे। उसमें दो मुकदमे उनके ऊपर लिखे हुए थे, जिनमें उनके द्वारा ज़बरदस्ती करके लोगों की कब्जा किया गया और यहाँ तक कि एक प्रकरण में तो उसके घर का सामान वामान भी ये उठवा ले गए थे। उसी प्रकरण में इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो भी लोग उस अपराध में संलिप्त पाए गए थे, एक कॉमन इंटेंशन के साथ इन लोगों के द्वारा ये अपराध किए गए थे, अवैध रूप से भू संपदा को अर्जित करने के लिए, उसी में आज उस गैंग के चार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। किस गैंग के सदस्य हैं सर और क्या बताएं? ये जो पूर्व चेयरमैन बहादुरगंज है, ये जो IS-191 सरगना मुख्तार अंसारी है, उसका घनिष्ठ सहयोगी रहा है और पूर्व में लोगों ने जब प्रार्थना पत्र दिया था उसमें भी ये उल्लेख किया था कि उसके इशारे पर इसके द्वारा उस समय बहुत सी भू संपत्तियों पर कब्जा किया गया था। उसमें ही कुछ लोगों ने सामने आके प्रार्थना पत्र दिए थे जो सत्य पाए गए, जिनमें चार्जशीट भी लगी थी, उन्हीं के आधार पर ये गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्राचार्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर। समस्त गाजीपुर जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये होली बहुत ही प्रेम प्यार सौहार्दपूर्वक खेली जाए, ये मेरी जनता से अपील है। और सबसे ये कहना चाहूँगा कि वे केमिकल का प्रयोग ना करें, ऑर्गेनिक हर्बल रंगों का प्रयोग करें, जिससे कि त्वचा को कोई नुकसान ना आए। ज़बरदस्ती किसी पे गुब्बारे ना फेंके जाएं, किसी पे कोई किसी तरह का कोई ऐसा गीला रंग ना फेंका जाए जिससे कि किसी तरह का नुकसान हो। देखिए, कलर की अगर आप बात कहें तो अलग अलग तरह के कलर होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे मिला दिए जाते हैं जिनसे कि त्वचा पर बहुत असर पड़ता है। तो भरसक प्रयास हो कि ब्रांडेड और हर्बल कलर लिए जाएं, वही अच्छा है जिससे कि त्वचा का नुकसान ना हो। और कई बार ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं कि आपकी त्वचा पर एक परमानेंट नुकसान हो जाता है।